हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आपने फ़ोटो एडिटिंग के ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको कई नए नए एप्लीकेशन के थ्रू आपको फ़ोटो एडिटिंग के लिए सिखाया जाता है। और बहुत से ऐसे एप्लीकेशन भी आ चुका है जिसमें आप अपने अच्छे प्रोफेशनल लुक में फ़ोटो एडिटिंग भी की जाती है। लेकिन गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑनलाइन फ़ोटो एडिटिंग के ऊपर। जी हाँ गाइस, आप अपने कोई भी फ़ोटो को ऑनलाइन एडिटिंग भी कर सकते हो। तो गाइस, ऑनलाइन फ़ोटो एडिटिंग एक वेबसाइट है जिसका नाम है slizer.com। इसके मदद से हम आज की इस वीडियो में फ़ोटो एडिट करके आप लोगों को दिखाएंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गगन राजटेक में। तो गाइस, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आप अपने फ़ोन के गूगल क्रोम में चले जाना। देन इसके सर्च बार में आपको टाइप कर देना है slizer.com। slizer.com टाइप करने के बाद गाइस, सिंपली आपको इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद गाइस, कुछ एक नए पेज ओपन हो किया जाता है और यहां पर आप लोगों को अपलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस, आपके फ़ोन में जितने भी फ़ोटोज़ हो गए वो यहाँ पर आपको सामने खुल के आ जाएगा। तो आपको जिस भी फ़ोटो को एडिट करना है उसको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ से एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद गाइस, कुछ इस तरह से आपके फ़ोटो में जो भी बैकग्राउंड रहेगा वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। और यहां से आपको एडिटिंग की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो गाइस, यहां पर आप लोगों को एडिट और पेंसिल का आइकन दिख रहा है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको एडिट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस, आप देख सकते हो हमारे जो फ़ोटो है यहाँ पर आ चुका है। और इधर आप लोगों को स्क्रॉल करके हल्का से नीचे आ जाना है, यहाँ पर आप लोगों को बैकग्राउंड दिख जाएगा जो अपने फ़ोटो में ऐड करना है। तो कुछ इस तरह से बैकग्राउंड आप लोगों को अपने फ़ोटो में ऐड कर लेना है, चूज़ कर लेना है कोई भी, कौन सा बैकग्राउंड आपके फ़ोटो में अच्छे से जच रहा है। देख सकते हो काफ़ी अच्छा अच्छा बैकग्राउंड यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इस तरह से। आपको बैकग्राउंड देख लेना है, जो भी बैकग्राउंड आप लोगों को अच्छा लगता है वो बैकग्राउंड आप लोगों को अपने फ़ोटो में चूज़ कर लेना है। और नीचे आने के बाद आपको कलर वाला बैकग्राउंड भी मिल जाएगा कुछ इस तरह से, काफ़ी अच्छा अच्छा बैकग्राउंड दिया हुआ है। तो फ़ोटो स्टूडियो में यूज़ करते हैं वो सभी बैकग्राउंड यहाँ पर आप लोगों को इस वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बैकग्राउंड आप लोगों को अच्छा लगता है उस बैकग्राउंड को आप सेलेक्ट करने लें। और कलर वाले बैकग्राउंड में आपको नीचे वाले में काफ़ी सारा कलर वाले दिख जाएगा जैसे कि अभी मैं बताया। और आप लोगों को कुछ इस तरह से बैकग्राउंड नेचर वाला भी मिल जाएगा देख सकते हो। तो जो बैकग्राउंड आप लोगों को अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लेना। और सिलेक्ट करने के बाद गाइस, ऊपर में आप लोगों को ब्लर का ऑप्शन आ जाएगा, आपको जितना ज़्यादा ब्लर करना है अपने फ़ोटो में वो कर सकते हो। तो सबसे पहले ये मीडियम वाला है, ये उससे थोड़ा सा हाई वाला है, ये उससे और हाई वाला है, और ये सबसे हाईएस्ट वाला है। तो जो भी बैकग्राउंड आप लोगों को अच्छा लगता है वो सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्लर के ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये वाला ब्लर मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो सिंपली हमारा जो एडिटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरह से। अब इसको हमको डाउनलोड करना है, तो देन यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी आ गया है, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस, कहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नीचे में आ चुका है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो ये डाउनलोड होके आपके गैलरी में ओपन हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो चुका है और आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो। तो चलिए मैं इसको आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो हम आ गए अपने फ़ोन के गैलरी में। देन यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जो हम फ़ोटो को अभी डाउनलोड किए हैं। तो ये वो वाला फ़ोटो है गाइस जिसको हम अभी एडिट किए हैं। तो देख सकते हो काफ़ी प्रोफेशनल लुक इस फ़ोटो में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो को, कोई भी फ़ोटो को इस वेबसाइट के मदद से काफ़ी सिंपल तरीक़े से एडिट कर सकते हो। तो होप करता हूँ गाइस आज के वीडियो आप लोगों को
पसंद आया होगा एंड वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।